इस रैली में जो पहली रैलियों में उत्साह देखने को मिलता था, इस रैली में उसकी वो उत्साह हमें कहीं कहीं उनकी बनिस्पत इस रैली में उत्साह इतना नहीं था जो पहले रैली में। आज की रैली में उन्होंने नायब सिंह सैनी की तारीफ की। हाँ यही आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जो है उनको उन्होंने इग्नोर किया, उनका तो नाम तक नहीं लिया गया और इस रैली में कहीं मनोहर लाल खट्टर नजर भी नहीं आए। प्रधानमंत्री जी को लगा कि हरियाणा के लोग मनोहर लाल की नीतियों से और मनोहर लाल के नाम से कहीं ना कहीं ना खुश हैं, इसलिए उन्होंने मनोहर लाल का नाम लेना गवारा नहीं समझा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों द्वारा प्रचार भी शुरू कर दिया है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने कुरुक्षेत्र में रैली की, जनसभा की, और उस जनसभा में उन्होंने क्या नए ऐलान किए हरियाणा के लिए और क्या कहा हरियाणा की जनता को, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है सतीश मेहरा जी। मेहरा जी से बात करते हैं कि आज की रैली क्या गुल खिलाएगी। मेहरा साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी आपका भी। मेरा साहब, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो प्रचार है उसकी शुरुआत कर दी है, उनके जो पहले और सबसे बड़े स्टार प्रचारक जो है नरेंद्र मोदी, उन्होंने आज कुरुक्षेत्र में रैली की। तो आज की जो रैली है उसमें लोगों का जो उत्साह था वो किस तरह, आपने रैली को देखा है सारी रैली को, तो रैली में लोगों का उत्साह कैसा रहा, कितनी की भीड़ रही और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा हरियाणा की राजनीति पे इस बार के इलेक्शन पे? देखिए, जैसे हम कुरुक्षेत्र के जो जो थीम पार्क में हुई प्रधानमंत्री जी की रैली की बात करें, तो उस प्रधानमंत्री जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में हरियाणा के लोगों को एड्रेस किया जी। और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के जयघोष करते हुए हरियाणवी डायलेक्ट में उन्होंने बोलने का प्रयास किया। उन्होंने सबसे पहले हरियाणवी डायलेक्ट में हरियाणवी लहजे में कहा, मन गणी खुशी हो रही है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों से रिलेट कर रहे थे, अपने आप को रिलेट करने का, अपने आप को जोड़ने का प्रयास उन्होंने किया। जैसा कि अपने भाषणों में, अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसी अंदाज में उसने अपने भाषण की उन्होंने शुरुआत की और रैली में लोगों का उत्साह था, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री रैली में आए हैं, उनको संबोधित, लोगों को संबोधित किया है, तो स्वाभाविक रूप से लोग आते हैं। और लेकिन इस रैली में मुझे लगता है पहली जो रैली हुई है कुरुक्षेत्र में 2014 के बाद, प्रधानमंत्री जी 5 बार रैलियां संबोधित कर चुके हैं, लेकिन इस रैली में जो पहली रैलियों में उत्साह देखने को मिलता था, इस रैली में उसकी वो उत्साह हमें कहीं कहीं उनकी बनिस्पत इस रैली में उत्साह इतना नहीं था जो पहले रैलियों में था। बात है तो प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र को है ना एक भारतीय संस्कृति की धरा बताया उन्होंने जी। और उन्होंने ये कहा कि मैं नमन करता हूँ भारत की संस्कृति के दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कुरुक्षेत्र को गीता का ज्ञान बताया है और संस्कृति का निशान, संस्कृति सॉरी सरस्वती नदी के निशान के रूप में उन्होंने संबोधित किया है। गुरुओं के ज्ञान के रूप में छठी पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में उन्होंने बताया कि उनका यहाँ विजिट रही है, उनका लगभग गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यहाँ आना जाना रहा है, उनकी धरती है। तो इस तरह से अपने आप को है ना लोगों से उन्होंने रिलेट किया और लोग बड़ा दम साध कर उनके भाषण को सुन रहे थे। बीच बीच में जो तालियां हैं, जय घोष के नारे, नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। तो अपनी जो उद्बोधन है उन्होंने हरियाणा में सैनी सरकार की उपलब्धियां उनका बखान भी किया, जैसे आयुष्मान योजना उन्होंने अभी वर्तमान सरकार के दौरान नायब सिंह सैनी ने जो जी। वर्तमान उनकी सरकार में आयुष्मान योजना का जो दायरा, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आज की रैली में उन्होंने नायब सिंह सैनी की तारीफ की। हाँ यही आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जो है उनको उन्होंने इग्नोर किया, उनका तो नाम तक नहीं लिया गया और इस रैली में कहीं मनोहर लाल खट्टर नजर भी नहीं आए, उसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं बता रहा था कि आयुष्मान योजना
का उन्होंने सबसे पहले जिक्र किया जो सरकार में शुरू हुई है जी, आयुष्मान योजना के तहत 70 से अधिक उम्र के जो आयु के जो लोग हैं उनको भी शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ जो मुक्तकंठ से खुलकर नायब सैनी की जो प्रशंसा की है हाँ। और उनको एक ओबीसी मुख्यमंत्री का चेहरा बताया, वो फिर से मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी बैकवर्ड का जो जातिगत समीकरणों के ऊपर जो राजनीति ओबीसी कार्ड है वो उन्होंने इस चुनाव में खेल दिया है जी जी जी। और जो प्रशंसा की अगर बात करें तो नम्रता का और विनम्रता का और जितने भी शब्द उनके जहन में थे वो नायब सिंह सैनी की प्रशंसा के लिए उन्होंने वहां पे भाषण में यूज किए और कहा कि पूरे भारत में नायब सिंह सैनी की प्रशंसा का आज डंका बज रहा है। तो ये और इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी की जो 3-4 महीने का जो कार्यकाल है उनकी तो जमकर तारीफ की, लेकिन जो 9.5 साल मैं वही बात कर रहा था कि पिछली जो रैली थी, पिछली जो रैली थी गुड़गांव वाली रैली, उस रैली में मनोहर लाल खट्टर की तारीफ के पुल बांधे इन्होंने और इस बार बिल्कुल उसका नाम तक नहीं लिया गया। तो 9.5 साल जो रहा और 6 महीने की जो बात रही, तो 6 महीने की चर्चा ज्यादा रही, इसके पीछे के कारणों की बात कर रहे थे हम लोग। मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल जी 9.5 साल मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल जी रहे हाँ। आज मनोहर लाल जी उनके मंच पर भी नजर नहीं आए जी, और न ही मनोहर लाल की जो नीतियां थी और न मनोहर लाल का नाम प्रधानमंत्री ने लिया, केवल और केवल वर्तमान जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं उनका ही प्रशंसा किया और उन्हीं की नीतियों की उन्होंने प्रशंसा की। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को लगा कि हरियाणा के लोग मनोहर लाल की नीतियों से और मनोहर लाल के नाम से कहीं ना कहीं ना खुश हैं, इसलिए उन्होंने मनोहर लाल का नाम लेना गवारा नहीं समझा। मैं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये 9.5 साल में जो कार्यकाल रहा है मनोहर लाल खट्टर का, लोग उनसे नाखुश हैं ये। और इसके साथ ही जो हमने बात की जाति समीकरणों की, ओबीसी वोट को साधने की उन्होंने डायरेक्ट कोशिश की, शायद इसलिए जो सैनी साहब है उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुनने में आया कि उनका जो फोकस रहा है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, हिमाचल में वो कांग्रेस की सरकार जो है उसकी नाकामियां गिनाते नजर आए, उस पे ज्यादा फोकस रहा है उनका। तो क्या प्रधानमंत्री जी को ये अंदेशा हो रहा है कि इस बार जो लोग हैं वो बदलाव के मूड में हैं, तो उनको ये कहना चाह रहे हैं कि बदलाव मत लाइए, शायद ऐसा कुछ संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को। देखिए उन्होंने जैसा मैंने पहले बताया कि हरियाणा की जो वर्तमान सरकार की जो पॉलिसीज के बारे में बोले उनकी तारीफ भी की, लेकिन उससे ज्यादा जो हिमाचल प्रदेश जो हमारे पड़ोसी हिमाचल प्रदेश है उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार है जी, और उस जो हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो नाकामियों का जिस लहजे में उन्होंने जिक्र किया वो बड़ा ही वो था कि पूरी तरह हिमाचल सरकार को उन्होंने फेल बताया। यहां तक कहा कि हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं जो उनके उनको जो सैलरी देने के लिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पास तनख्वाह के देने के लिए पैसे तक नहीं है और बहुत आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है, और जो हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस है उन्होंने जो चुनाव से पहले वायदे किए थे उन वायदों को निभाने में पूरी तरह असफल रही है, और हिमाचल प्रदेश के बारे में ना जाने क्या क्या उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की झूठ मूठ की सरकार थी, उन्होंने लोगों को भ्रम में डालकर अपनी सत्ता बढ़ाई, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो नाकामियां गिनाना मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उनके जहन में ये है कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है उनकी नाकामियां गिनाकर आप हरियाणा के लोगों को सचेत कर सकते हैं कि कांग्रेस अगर हरियाणा में आती है तो हिमाचल जैसा हाल हो जाएगा। हालांकि हिमाचल में क्या है वो तो हिमाचल के लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हिमाचल की नाकामियों को गिनाने में कमी नहीं छोड़ी। तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाता है कि उनको ये नजर आ रहा है कि शायद इस बार लोग बदलाव चाहते हैं, कहीं ना कहीं आभास था उनके दिमाग में हाँ। कि आसपास की जो विपक्षी की सरकार है उनको टारगेट पे लिया जाए, और उन्होंने लिया। मेरा साहब अभी जैसे स्टार प्रचारक सभी पार्टियों के आएंगे,
अगर बात करें आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं, जो उनके सुप्रीमो है, वो भी जेल से रिहा हो गए हैं, वो भी आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी बड़े नेता भी जरूर पहुंचेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आगाज कर दिया है, इसका क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या असर रहेगा हरियाणा के वोटर्स पर? देखिए, प्रधानमंत्री जो अपनी जो पहली रैली उन्होंने हरियाणा में की है, इससे पहले आज ही जम्मू कश्मीर में रैली थी और हरियाणा में भी जैसे पहली रैली थी, उन्होंने उस रैली को देखते हुए मुझे लगता है किस तरह से उन्होंने अपने प्रचार की जो लाइन ली है, उसी लाइन पे जो हरियाणा के स्टेट के लेवल के लीडर हैं या और दूसरे जो प्रचारक हैं, इनके स्टार प्रचारक हैं, उसी लाइन पे वो बात बोलेंगे और उसी लाइन पे वो जाएंगे। और अभी से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अलर्ट रहेगी कि प्रधानमंत्री किस बात पे ज्यादा फोकस करते हैं, और उन्हीं बातों को डिफेंड करने के लिए हरियाणा के जो स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी के हैं या नेशनल लेवल के जो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उसकी उन्हीं उसी उनकी बातों का जो जवाब है अपने लैंग्वेज में देंगे, अपनी भाषा में देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का आना बाकी है। जी बिल्कुल। और वैसे भी एक सर्वे के अनुसार ऐसा पाया गया है कि कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक हैं उनकी ज्यादा डिमांड हरियाणा में है। अच्छा, तो मतलब जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक है उनकी डिमांड ज्यादा है हरियाणा में, लोग ज्यादा पसंद करते हैं उनको। यस यस। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपने जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है वो जारी कर दी है, और अभी प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार का आगाज किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अभी दूसरी पार्टियों के, आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के जो प्रचारक आएंगे, वो भी अपने अपने अंदाज में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री की जो वक्तव्य है उनको डिफेंड करते हैं, और किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार हरियाणा में रही है उसको टारगेट पर लेते हैं, ये बात आगे देखने वाली है। बट ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि दूसरी पार्टियों के जो भी जो प्रचारक आएंगे उनका सबसे बड़ा फोकस यही रहेगा कि पिछले जो 10 साल की ये सरकार रही है उसकी नाकामियों को गिनाया जाए, उसकी कमियों को गिनाया जाए, और आने वाले समय के लिए वो अपनी उपलब्धियां, अपने किए जाने वाले कामों के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, और हर बार इलेक्शंस में ऐसा ही होता है। खैर दोस्तों, जो भी होगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों के साथ जो अपना प्रचार है वो शुरू कर दिया है। देखते हैं हरियाणा का वोटर इससे कितना प्रभावित होता है और क्या नतीजा देता है। ये जो भी होगा वो आने वाली 8 अक्टूबर को आप सबके सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू।